हमारा हमारी सोसाइटी कामरान वो है जहां पर एक बच्ची अपने बाप से भी महफूज नहीं है। क्या ये हमारी सोसाइटी की रियलिटी नहीं है? हमारी छोटी छोटी बच्चियां चचाओं के हाथों, तायाओं के हाथों, बापों के हाथों जो हमारे है, वो नहीं हो रही है, वो नहीं हो रहा है। और भाई हमारे झूठ बोलती है, हमारे बाद में रिपोर्टेड केसेस आपके कहने से शाउट एक रिपोर्ट को लेकर जो दलील बनाए की बात नहीं, हमारे यहाँ कोई बाप अपनी बेटी को आप पाकिस्तानी मुआशरे को खराब करना चाहते हैं, पाकिस्तानी मुआशरे के बारे में बात करने के खिलाफ खड़े होते हैं, बाप अपने बेटे के साथ आज तक आप लोग खड़े हो गए हम खड़े हैं उसके साथ, जो बच्ची अमेरिका में जाकर इस मुल्क में इस्तेहसाल का शिकार होगी हम उसके साथ खड़े हैं। किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता, लेकिन अब ये नहीं होगा। अच्छा, अब मेरा एक पॉइंट है, आप बार बार के ऊपर मुंह कर दे, उसके नाक काट दे, उसकी टांगे काट दे, बाजू काट दे, उसके बाद आप कहें कि हम बहुत अच्छा है। आप रिलैक्स हो जाइए, सॉरी, ये पानी के साथ ज्यादती करता है इस मुल्क में, रिपोर्टेड केस है, आप पता नहीं कहां सोए हैं, वो मिनोरिटी केस है, मेरा बर्थ डिसऑर्डर करता है, ये भी कहना पड़ेगा, आप अपनी जुबान बंद करें, आप अपनी जुबान बंद करें। ये भी होता है कि मस्जिदों के अंदर इमाम मस्जिद ने एक बच्चे को रेप नहीं किया, इसी लाहौर में जाहिल औरत को यहाँ बिठा दिया, कह रही है बाप अपने आप खुद बहुत बड़े जाहिल है, मजहब के नाम पे जाहिलियत से खेलते हैं आपस में, ना करें जाहिल क्रॉस टॉक की मैं बुजुर्ग होने की वजह से लिहाज से साहब एक औरत है, इनकी जुबान बोलने का काम नहीं आ रही, उसमें साहब आप लिमिट होती है, आप मेरे कहने में मेरे कहने में रुक जाइए, मैं आपको भी छुट्टी बता रही हूं, मेरी बात तो मान ले, मैं कह रही हूं ये रिपोर्ट अमेरिका का मामला है, इमाम मस्जिद जो है वो बच्चे को रेप करेगा अगर मस्जिद के अंदर, तो मैं क्या ना करूं, मैं पीटू ना, अच्छा जी मैं ना बस बच्चे, अब मेरी कर सुन ले दोनों हजरात, मुफ्ती साहब एक मिनट, मुफ्ती साहब एक मिनट, झूठी औरत एक मिनट, आप खुद बहुत बड़े झूठे हैं, आपको पता है किसी चीज का नहीं, और आज आप यहाँ पर हमें इस्लाम सिखाने के लिए खुद को इस्लाम का नहीं पता, मीडिया पे बैठा कर मुफ्ती साहब ने आवाज खड़ा करने के लिए बहुत सारे हमारे पास पढ़े लिखे आलम भी मौजूद है, हां दूसरे को जाहिला कहे, दूसरे को जाहिला कहे, मुफ्ती साहब मैं ये कह रहा हूँ तमीज नहीं है बात करने की, वो कितना बड़ा आलम है, देख रहे हैं ये कैसे कह रही है कि बाप अपनी बेटी के साथ बदकारी करता है, जिस आदमी पर ये तमीज नहीं है बात करने की वो कितना बड़ा आलम है, ब्रेक लेते जी, एक ब्रेक लेंगे, एक ब्रेक लेते जी।